स्ट्रैबो, स्ट्रैबो का जो समयकाल है वो है 64 से 20 एडी, यानी कि 64 से 20 एडी। अब यहाँ पर ईसा पूर्व जो सिस्टम चल रहा था वो खत्म हो गया है, अब ईसा मसीह का जन्म हो गया है और उसके बाद का समयकाल चल रहा है। तो स्ट्रैबो का समयकाल कब है? 64 से 20 एडी के बीच में इनका समयकाल है। अब इनके बारे में एक खास बात ये जान लीजिए कि ये टर्की में पैदा हुए थे, जिसको हम तुर्की भी कहते हैं, ये टर्की में पैदा हुए थे। तो आप लिखेंगे बॉर्न इन टर्की, ठीक है, ये टर्की में पैदा हुए थे, बट बाद में, उसके बाद आफ्टरवर्ड ही मूव्ड टू रोम, यानी कि ये टर्की में पैदा हुए थे लेकिन थोड़े समय के बाद ही ये रोम जाकर शिफ्ट हो गए, ठीक है। इन्होंने जो भी काम किया, जो भी रिसर्च किया, वो कहाँ पे किया? रोम में किया। पैदा कहाँ हुए थे? टर्की में हुए थे। तो क्योंकि रोम में काम किया, इन्होंने रोम में ही अपनी सारी रचनाएं प्रकाशित करवाई हैं, तो इसीलिए इनको हम रोमन ज्योग्राफर में पढ़ते हैं। अब इनका दूसरा पॉइंट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ऑल्दो ही वॉज अ रोमन ज्योग्राफर, हालांकि ये एक कौन थे? रोमन ज्योग्राफर थे। ही वॉज अ रोमन ज्योग्राफर, क्योंकि रोम में उन्होंने अपना काम किया है तो जाहिर सी बात है रोमन ज्योग्राफर है और हम रोमन ज्योग्राफर्स ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये रोमन ज्योग्राफर थे लेकिन इन्होंने अपना जो वर्क है, जो भी लिटरेरी वर्क है, जो भी बुक्स हैं, वो पब्लिश कराई हैं किस लैंग्वेज में, वो देखिए, ऑल्दो ही वॉज अ रोमन ज्योग्राफर बट पब्लिश्ड हिज वर्क इन ग्रीक लैंग्वेज, ठीक है, यूनानी भाषा में इन्होंने अपनी जो रचनाएं हैं वो प्रकाशित करवाई हैं। तो ये एकमात्र ऐसे ज्योग्राफर हैं जो कि टर्की में पैदा हुए थे, रोम में जाके इन्होंने रहना शुरू किया, वहाँ पे इन्होंने अपनी रिसर्च की, ऑब्जर्वेशन किया, बुक्स लिखी, पब्लिश कराई, लेकिन इनकी जो बुक पब्लिश हुई है उनकी लैंग्वेज क्या है? यूनानी भाषा, यानी कि ग्रीक लैंग्वेज में पब्लिश हुई है। तो अगर ये कभी क्वेश्चन आता है कि किसी ऐसे ज्योग्राफर का नाम बताइए, देखिए बेसिकली अगर आपसे पूछेगा कि ग्रीक लैंग्वेज में किसकी पुस्तकें या किसकी बुक्स पब्लिश हुई हैं, तो आप भाई किसी ग्रीक ज्योग्राफर का ही नाम लोगे, लेकिन यहां पर एक पेच है, पेच क्या है कि ये रोमन है। तो अगर पूछता है, ऑप्शन में दे देता है फ्रांस के किसी ज्योग्राफर का नाम या फिर रोम के किसी ज्योग्राफर का नाम, लेकिन किसी भी ग्रीक ज्योग्राफर का नाम नहीं देता है और पूछता है कि बताओ इनमें से किसने ग्रीक लैंग्वेज में अपनी पुस्तकें प्रकाशित करवाई थी, तो आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे ग्रीक का तो कोई दिया ही नहीं है, लेकिन अगर रोमन का दिया हुआ है, यानी कि स्ट्रैबो का नाम दिया हुआ है, तो आप इनका नाम मार्क करके आ सकते हो, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा लॉजिकल बात यहाँ पर आ गई है जो आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। उसके बाद इनकी बुक की बात कर लेते हैं। बुक की अगर बात करें तो इन्होंने जियोग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया पब्लिश किया है, ज्योग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया, और इसके टोटल 17 वॉल्यूम है। तो आप समझिए कितना ज़्यादा इन्होंने काम किया है, मतलब एक किताब इन्होंने पब्लिश की है, एक विश्वकोश, इंसाइक्लोपीडिया को हिंदी में विश्वकोश कहते हैं, इन्होंने एक विश्वकोश पब्लिश किया है पूरे के पूरे 17 पार्ट में। तो ये कोई आम बात नहीं है कि 17 किताबें आप पब्लिश करा दें, ठीक है। लेकिन अगर 17 पार्ट की बात की जाए कि 17 पार्ट में क्या क्या इन्होंने पब्लिश कराया है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 और 2 की बात करें। देखिए स्ट्रैबो को जितने भी विश्व की जानकारी थी, जितनी भी जगह की जानकारी थी, उसने उसको कहा ओक्यूमीन, ठीक है। इसकी स्पेलिंग आपको कहीं अलग भी मिल सकती है, जैसे कि ओइकोमीन भी हो सकती है, ओई कौमीन, ठीक है। तो ये दो तरह से देख सकते हैं, इस शब्द का प्रयोग इसी सैंपल ने किया है, बल्कि मतलब इसका सेम है, और इस शब्द का प्रयोग स्ट्रैबो ने किया है, ठीक है। तो ओक्यूमीन यानी कि
ऐसी दुनिया जिसके बारे में स्ट्रैबो को जानकारी है, ठीक है, एक ज्ञात विश्व की बात हो रही है जिसको इसने ऑक्यूमीन कहा है, ठीक है। तो ऑक्यूमीन की बात की गई है, यानी कि उस दुनिया की बात की गई है जिसके बारे में स्ट्रैबो जानते थे, और उसके अलावा कुछ प्रिंसिपल्स एंड हाइपोथेसिस की भी बात की गई, ठीक है। पहले और दूसरे पार्ट में ज्योग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया के क्या बात की गई है, ऑक्यूमीन की बात की गई है और प्रिंसिपल्स एंड हाइपोथेसिस की बात की गई है। फिर आता है तीसरे से दस तक की बात अगर की जाए, पार्ट तीन से लेके पार्ट दस, इसमें यूरोप का डिस्क्रिप्शन है। किसका डिस्क्रिप्शन है? यूरोप का डिस्क्रिप्शन है। यूरोप के अलग अलग क्षेत्रों के बारे में बताया गया है, वहाँ के लोगों के बारे में बताया गया है, वहाँ के रिलीफ के बारे में, रहन सहन के बारे में बताया गया है। तो वॉल्यूम 3 से लेकर 10 तक इन्होंने यूरोप के बारे में बताया है, ठीक है। इसको रफ कर देता हूँ मैं। 10 के बाद आता है वॉल्यूम 11, ठीक है। लेकिन सिर्फ वॉल्यूम 11 नहीं है, वॉल्यूम 11 से वॉल्यूम 16 तक इन्होंने एशिया की बात की है। एशिया का डिस्क्रिप्शन दिया है, वहाँ के लोग, वहाँ का सेटलमेंट, वहाँ की सोसाइटी के बारे में बताया है वॉल्यूम 11 से 16 के बीच में, ठीक है। उसके अलावा फिर आता है लास्ट बचा हुआ वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम 17, जिसमें इन्होंने एक जनरल इन्फॉर्मेशन दी है, जनरल इन्फो ऑफ अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका के बारे में जो भी इनको सामान्य जानकारी थी उसके बारे में बताया है। तो आप देखेंगे कि स्ट्रैबो ने अपने इंसाइक्लोपीडिया में तीन जगहों की बात की है। कहाँ कहाँ की? यूरोप की बात की है, एशिया की बात की है और अफ्रीका की बात की है। और रही बात पहले और दूसरे वॉल्यूम की, तो उसमें भी उसने ओइकोमीन, यानी कि जिस जगह के बारे में वो जानता था, उन सारी जगहों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी पहले और दूसरे वॉल्यूम में दी है, ठीक है। तो इतना सारा काम इन्होंने ज्योग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया में किया है, जिसके 17 वॉल्यूम प्रकाशित करवाए गए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रैबो पहला वो आदमी था, He was the first who made the map of Mediterranean region. Mediterranean region का मतलब यहाँ पर भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है उसकी बात हो रही है। स्ट्रैबो पहला वो ज्योग्राफर या पहला वो इंसान था जिसने भूमध्य सागरीय क्षेत्र के बारे में मानचित्र का निर्माण किया था, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखें कि इन्होंने काम कंट्रीब्यूशन क्या क्या किया है। कंट्रीब्यूशन में अगर हम कहें मैथमेटिकल ज्योग्राफी, मैथमेटिकल ज्योग्राफी में स्ट्रैबो ने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है। एक्चुअली देखा जाए तो काम ही नहीं किया है इन्होंने। बस क्या किया है, जो हमारे इरेटा स्थनीज थे, ठीक है, उसके अलावा हिप्पार्कस या हिप्पार्चुस भी कहीं लिखा हुआ है, और पोसीडोनियस, इनका जो किया हुआ काम है मैथमेटिकल ज्योग्राफी का, उसी को स्टडी करके, उसी को बेस बना के थोड़ा बहुत काम किया है। बेसिकली आप स्ट्रैबो के बारे में जब पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि मैथमेटिकल ज्योग्राफी में इनका थोड़ा बहुत भी काम देखने को नहीं मिलता, और जो मिलता भी है वो किससे प्रभावित है? इरेटा स्थनीज, हिप्पार्कस एंड पोसिडोनियस से प्रभावित है इनका काम, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं। मैथमेटिकल ज्योग्राफी में इन्होंने तीन लोगों को फॉलो किया जिनके नाम मैंने आपको बताए, इरेटा स्थनीज, हिप्पार्कस और पोसिडोनियस। अभी आ जाते हैं हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में कोई काम किया है। देखिए हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में इन्होंने क्या काम किया है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो यूरोपियन साम्राज्य था, जो अलग अलग डायनेस्टीज थी, राजघराने थे, उनके
कामों से इनका काम या फिर सारे के सारे रोमन ज्योग्राफर्स का काम प्रभावित रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उनका असर इनके काम पे देखने के लिए मिलेगा। उसके अलावा स्ट्रैबो ने क्या किया है कि जो भी भौगोलिक जानकारी उनको दिखती है उसकी वो तुलना प्राचीन काल या फिर ऐतिहासिक जो तथ्य हैं उनसे ज़रूर करते थे। ठीक है, तो ये काम आप कह सकते हैं कि उन्होंने हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में किया है कि उन्होंने ज्योग्राफिकल फैक्ट्स को प्रेजेंट में, जो उनके समय प्रेजेंट थे, ज्योग्राफिकल फैक्ट को कंपेयर किया है या फिर तुलना की है ऐतिहासिक जो ज्योग्राफिकल फैक्ट्स हैं उनके साथ। ठीक है, तो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में इन्होंने ये काम किया है। ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें, क्या ह्यूमन ज्योग्राफी में कोई काम किया है? जैसा कि आपको पता है ओक्यूमेन, यानी कि वो जगह या वो क्षेत्र दुनिया का जिसके बारे में स्ट्रैबो को जानकारी थी ओक्यूमेन के बारे में। अब जब ओक्यूमेन के बारे में बात होती है तो यहाँ पर जिस जगह को वो जानते हैं, उस जगह पर रहने वाले लोग, वहाँ का समाज, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का सेटलमेंट, उन सारी चीज़ों की बात की है। और जितनी भी चीज़ें मैंने आपको गिनाई, समाज, लोग, सेटलमेंट वगैरह, ये सब किसका पार्ट है? ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है। ठीक है, तो ह्यूमन ज्योग्राफी में हम इसको रख सकते हैं। रीजनल अगर ज्योग्राफी की बात की जाए तो रीजनल ज्योग्राफी में क्या काम किया है? जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जो रोमन ज्योग्राफर्स हैं उनका रीजनल ज्योग्राफी में बहुत काम है। मैंने बोला था ना, ह्यूमन ज्योग्राफी में काम है, फिजिकल में नहीं है, ह्यूमन ज्योग्राफी में काम है। लेकिन अगर हम और प्रिसाइसली बात करें तो इनका रीजनल ज्योग्राफी में ज़्यादा काम है। अब रीजनल ज्योग्राफी में आप देखेंगे तो अगर आप इनकी ज्योग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया के 17 पार्ट की बात कर रहे हैं, 17 में से आप लगभग चाहे पहला, दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे से लेकर 10वां या फिर लास्ट तक आप देखेंगे तो इन्होंने बहुत पहले ओक्यूमेन की बात की है, उसके बाद यूरोप की बात की है या यूरोपियन कंट्रीज की बात की है, फिर एशिया की बात की है, फिर अफ्रीका की बात की है। ये सब क्या है? ये क्षेत्र है। अब इनके बारे में बात करना रीजनल ज्योग्राफी है ना, कि अलग अलग रीजन के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो हेरोडोटस बोल रहा हूँ, स्ट्रैबो ने क्या किया? रीजनल ज्योग्राफी में काम किया है। तो आपने पहले मैथमेटिकल ज्योग्राफी पढ़ा, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी पढ़ा, इसमें भी थोड़ा बहुत काम देखने को मिलता है, मैथमेटिकल में बिल्कुल नहीं मिलता है। ह्यूमन ज्योग्राफी में ओक्यूमेन और फिर यहाँ पे रहने वाले लोग, उनका रहन सहन, खान पान, सेटलमेंट। रीजनल ज्योग्राफी में अलग अलग रीजन्स, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, इनके बारे में जो स्ट्रैबो हैं उन्होंने काम किया है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रैबो।